अब हम सीखते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान है क्या। वर्णों के उच्चारण स्थान जहां से वर्ण निकल रहे हैं वो उनका उच्चारण स्थान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं कि आप जब भी कुछ भी वर्ण बोलते हैं, कोई भी वर्ण, कैसा भी वर्ण हम मैं बात कर रहा हूं, तो जीभा यानी जीभ कहीं ना कहीं टच हो रही है, कहीं ना कहीं टच हो रही है, कहीं ना कहीं स्पर्श हो रही है, जिसकी वजह से वो उच्चारण निकल रहा है। आपने देखा होगा गूंगा बोल नहीं सकता, उसका कारण क्या है, उसकी जीभा काम नहीं कर रही होती। ऐसे ही अगर किसी की जीभा काम नहीं कर रही या कम काम कर रही है तो या तो वो गूंगा होता है या फिर वो तोतला होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता ढंग से। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान ही हैं जो अक्सर हमारे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं, कभी कभी स्कूल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि वर्णों के उच्चारण स्थान में ये जो कंठ है यानी कंठ है, कंठ से बना है कंठ है, तालव्य तालु से बना है, ये चीजें हैं क्या, ये जो यहां लिखी हुई है ये चीजें क्या है, इसको आप एक बार ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बात करता हूं कंठ है, कंठ बना है कंठ से, कंठ का मतलब होता है गला। तो जो गले से आवाज आ रही है जैसे क ख ग, ये कंठ से निकलने वाली चीजें हैं, पर इसको हम एक बार बाद में सीखते हैं। उससे पहले आप कंठ, कंठ का अर्थ जान चुके होंगे, उसके बाद हम जानते हैं तालव्य। तालव्य तालु, तालु शब्द से बना है। अब ये तालु क्या है, आप ध्यान दीजिए अपने जीभा की तरफ, तो जीभा के ऊपर, जीभा मतलब जीभ, जीभ यानी टंग, टंग के ऊपर का जो हिस्सा है अंदर के, टंग जो है, टंग के ऊपर का जो हिस्सा है, जीभ के ऊपर का जो हिस्सा है, आसान भाषा में कहूं तो जीभा की जो छत है, छत है, उसे तालु कहते हैं। तालव्य वहीं से ही बना है। अब तालव्य से जो आगे की तरफ आएंगे हम, बाहर की तरफ निकलेंगे, तो जो दांत से ऊपर का हिस्सा है यानी अंदर की तरफ से, मसूड़े जिसे बोलते हो, मसूड़े तो जो हम हंसते हैं तो दिखते हैं, वो बाहरी आवरण है, बाहरी हिस्सा है, लेकिन यही चीज उसके पीछे की साइड यानी जो दिख नहीं रही हमें, वो जो मसूड़े हैं पीछे की तरफ यानी दांत से ऊपर की तरफ, मैं जहां उंगली को स्पर्श कर रहा हूं वहां ध्यान से देखिए, इस चीज को जहां आप देखते होंगे या जानते होंगे कि वो मसूड़े हैं, मसूड़े जो पीछे की तरफ हैं, तो उसे मूर्धा कहते हैं, और मूर्धा से बना है मूर्धन्य। मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाता जाऊंगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो चित्र आप उसके साइड में ही यहाँ पर दिख जाएगा जब मैं समझा रहा हूंगा। तो इसके बाद दंत्य, दंत्य तो दांत से बना है, ये भी दांत आप जानते ही हैं, लेकिन दांत एक तो जो हम हंसते हैं वो दांत जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं वो दांत नहीं, जो अंदर की तरफ है, तो वो दंत्य है। ओष्ठ है, ओष्ठ है तो आप जानते होंगे होंठ, लिप्स या होंठ, ओष्ठ है उसी शब्द से ही बना है, ओठ होंठ से बना है। ऐसे ही कंठ और तालव्य ये इकट्ठे हैं, ये भी एक बार समझा दूंगा, पहले आप ये जान ही गए होंगे, अगर कम समझ में आया हो तो आपको ये बता देता हूं। कंठ होता है नीचे की तरफ, यहां कंठ, उससे ऊपर की तरफ आएंगे तो तालव्य शुरू हो जाता है, तालव्य के बाद मूर्धन्य यानी मसूड़े एक तरह के पीछे की साइड के, और मूर्धन्य के बाद दांत शुरू हो जाते हैं, दांत के बाद होंठ, ओष्ठ है। तो ये एक क्रम के अनुसार ही लिखे गए हैं जिससे आपको याद रह जाएंगे आसानी से। तो एक ट्रिक तो यही थी, लेकिन इसके अलावा अब बात आती है कि कंठे में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको सीखने की भी एक ट्रिक है, उसको आप ध्यान से समझ। कंठे में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको सीखने से पहले आप यहां ध्यान दीजिए, एक शब्द यहां पर भी है नासिक्य। नासिक्य का अर्थ होता है नाक, नाक से बना है नासिक्य। तो नाक की सहायता से जो बोले गए वर्ण हैं वो सब नासिक्य के वर्ण होंगे। तो अब आप इनके अर्थ तो जान चुके हैं, लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा कि इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले आपको समझा देता हूं कि ये कौन से वर्ण किस वर्ण से बोले जाते हैं, किस उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, ये आप पहले सीख लीजिए। जैसे क, क को बोलते हुए जीभा कहीं टच नहीं हो रही, आप ध्यान दीजिए बोलते समय, क क ख ग घ और ग, जो इसको हम बोल रहे हैं तो इसको बोलते समय जीभा कहीं टच नहीं हो रही, इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि यह कंठ से बोले गए वर्ण हैं। ऐसे ही तालव्य, तालव्य आपको पता लग गया है कि तालु शब्द से बना है, तो तालु को, जीभा जब तालु को टच होती है ऐसे वर्ण निकलते हैं, च छ ज
जब बोलते हैं हम तो वो जीभा टच हो रही है तालू को। ऐसे ही मूर्धन्य, मूर्धा तो आप जानते ही हैं, दांत से ऊपर का हिस्सा मूर्धन्य है। ट आप जीभा ट को बोलते हुए ध्यान दीजिए, जीभा तालू सॉरी सॉरी मूर्धन्ना मूर्धन्य को टच हो रही है, यानी मूर्धा को टच हो रही है ट को बोलते हुए। ट ट को बोलेंगे, ठ को बोलेंगे तो मूर्धा को टच होगी जीभा। ऐसे ही दंते को टच होगी, यानी दांत को टच होगी जब ये वर्ण बोले जाएंगे, जैसे त थ द ध। तो ये जब बोलते हैं तो इसकी जो आवाज आती है, इसको आवाज आने से पहले हम जीभा टच करते हैं दंते को, इसीलिए ये दंते वर्ण है। ऐसे ही ओष्ठ है, जब हम इन वर्णों को बोलेंगे प, प को बोलते हुए होंठ आपस में टच हो जाते हैं, इसीलिए सब ओष्ठ में आएंगे, प फ ब भ। इस तरह से और भी हैं, तो आप ये समझ ही गए होंगे ये क्या चीज है और किस तरह से काम कर रही है। लेकिन ये चीजें ऐसे याद नहीं होती कई बार, कि हमें नहीं पता चलता कि ये छ, क्योंकि ऐसे वर्ण आपको लग रहे होंगे जब मैं बता रहा था तो ऐसे वर्ण भी लग रहे होंगे आपको, जो आपको महसूस हो रहा होगा कि ये तो तालव्य के को टच ही नहीं हो रही जीभ, या मूर्धन्य को टच ही नहीं हो रही, फिर भी ये मूर्धन्य में आई तो कैसे आई, क्यों आई। इस बारे में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार दिमाग में। तो कई बार हो जाता है कि मान लो क्या, ये इसमें 44 वर्ण लिखे हुए हैं, ये टोटल 44 वर्ण है, 44 में से 44 में से आपको 40 वर्ण तो आपको शायद समझ में आ जाएंगे, लगभग मैं बता रहा हूँ कि 40 वर्ण तो आपको समझ में आ जाएंगे कि जीभा कहाँ टच हो रही है और ये वर्ण इसमें क्यों आए, ये तो आपको शायद समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको चार वर्ण ऐसे भी मिलेंगे, दो चार वर्ण ऐसे भी मिलेंगे जो आपको खुद महसूस होगा कि नहीं ये तो इसके लग ही नहीं रहे। तो उसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक है, ये सभी वर्णों की याद करने की एक ट्रिक है, वो भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो तीन शब्द रह गए वो और जान लेते हैं। कंठ तालव्य, तालव्य थोड़ा सा मिट गया है, तालव्य तो आप जान गए होंगे ऊपर पड़ा है, और कंठ भी आप जान गए होंगे। तो कंठ और तालु जब दोनों का मिश्रण होता है ऐसे वर्ण भी होते हैं। ए, ए बोलते हुए तालु को तो जीभ टच हो ही रही है, लेकिन साथ साथ कंठ को भी, कंठ से भी ध्वनि निकल रही है, यानी कंठ का भी सहारा लिया है ए और आई को बोलते समय। ऐसे ही कंठोष्ठ, कंठोष्ठ बना है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी होंठ, कंठ यानी गला और होष्ठ माने होंठ। तो ओ और औऊ, औऊ बोलते हुए जो होंठ है वो आपस में टच हो रहे हैं, इसीलिए कंठोष्ठ वर्ण कहलाएंगे। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में दांत प्लस ओष्ठ यानी होंठ, इन दोनों का की सहायता से एक वर्ण बोला जाता है व। व बोलते हुए व जीभा टच हो रही है होंठ को भी, तो इसीलिए ऐसे वर्ण दंतोष्ठ में जाएंगे। लेकिन इन बातों से आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वो ट्रिक को सीखने से पहले एक शब्द जो रह गया है वो नासिक्य, नासिक्य को और सीख लेते हैं। नासिक्य में ये पांचवा वर्ण है, वर्ग का पांचवा अक्षर, जितने भी पांचवा वर्ण जो है, ये पांचों के पांचों, ये जितने भी आप देख रहे हो एक ही लाइन में, ये सब के सब नासिक्य में आएंगे, क्योंकि इसमें नाक की सहायता ली जाती है। जैसे अंग, न्य बोलेंगे, अण अण बोलेंगे, न म म, इन चीजों, इन वर्णों को जब हम बोल रहे हैं तो नाक की से ध्वनि निकल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसीलिए ये नासिक के वर्ण कहलाएंगे। अब हम उस ट्रिक की बात करते हैं जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। देखिए, कंठ, कंठ आप इस तरह से याद पहले ही कर चुके होंगे कि कंठ नीचे आता है, यानी सबसे पहले आता है, उसके बाद तालव्य, यानी अंदर की तरफ हम बात करें तो कंठ पहले आएगा, उसके बाद तालव्य शुरू हो जाता है, यानी जीभा की जो छत है वो तालव्य कहलाएगी, उसके बाद जो मूर्धन्य, मूर्धन्य उसके बाद शुरू होता है, दंत उसके बाद, और फिर ओष्ठ है, ओष्ठ है उसके भी बाद, तो यानी होंठ आ जाते हैं। तो ये इस तरह से आपने याद कर लिए होंगे पहले भी। लेकिन अब बात आती है कि ये पहले नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर पहला यानी क वर्ग भी आता है, क वर्ग के सारे वर्ण कंठे में ही आएंगे। इसके बाद तालव्य दूसरे नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर का जो वर्ग है यानी च वर्ग, ये सब के सब इस तालव्य में आएंगे। तीसरा मूर्धन्य, मूर्धन्य के यानी ट वर्ग के सभी वर्ण सभी मूर्धन्य में आएंगे, दंत वर्ग के सभी वर्ण दंते में आएंगे, और प वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठे में आएंगे। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अब बात आती है बाकी वर्णों की। बाकी वर्णों को आप स्वर की सहायता से, उच्चारण स्थान की मदद से याद
कर चुके होंगे या समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि इनमें से एक दो वर्ण ऐसे भी हो सकते हैं जो बॉक्स में नहीं है, बाहर लिखे हुए हैं, वो अगर थोड़े कम समझ में आए हों तो आपको या उनमें से कुछ एक ही होंगे, सारे नहीं होंगे मुझे पता है, कुछ एक या एक दो ही होंगे, उनको आप थोड़ा अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी तो ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अ आ और ह और विसर्ग ये शब्द भी कंठे में आएंगे, ई ई य श ये शब्द भी तालव्य में, ये शब्द तालव्य में आएंगे, री र और श श षटकोण ये शब्द, ये सॉरी वर्ण शब्द बोल रहा हूं मैं, वर्ण मूर्धन्य में आएंगे, स अकेला है जो दंते में आएगा इन वर्गों के अलावा, इन वर्णों के अलावा, और ऊ और ऊ, ऊ और ऊ बोलते समय आप देखते हैं कि होंठ आपस में टच होते हैं तो इसीलिए ओष्ठे में आएंगे। इसके अलावा ए और आई, ओ और औ और व के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से नासिके के बारे में आप सीख ही चुके होंगे, नासिके में भी पांचवा वर्ण सभी सभी पांचवा वर्ग के सभी पांचवे वर्ण सभी के सभी नासिके में ही आएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान एक्चुअल में हैं क्या और किस तरीके से वो। और अगर आप सघोष अघोष अल्पप्राण और महाप्राण और वर्णों के उच्चारण स्थान का लिखित रूप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखित रूप, इन तीनों टॉपिक्स के लिखित रूप आपके सामने होंगे। और अगर आपको व्याकरण के और भी बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।